मर्द जन्नत में जाएंगे तो उसे जन्नत में हूरें मिलेंगी, और अगर औरत जन्नत में जाए तो उसे क्या मिलेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर मर्द जन्नत में जाएंगे तो उसे नेक मर्द है, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से उन्हें जन्नत में भेज दिया, तो उसे 272 तक हूरें और इससे ज्यादा बहुत सारे खुदाम और बहुत कुछ अल्लाह पाक ने वो इनाम रखा हुआ है जो ना किसी आंख ने देखा ना किसी दिल पर उसका खतरा गुजरा। यानी जन्नत इतनी खूबसूरत है और हूर इतनी खूबसूरत है कि उसकी पिंडली के गोश्त के आर पार से चीजें देखी जा सकती हैं, यानी शीशे की तरह। वो शीशा तो वो मुवासलत नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत होगी। और ये अल्लाह पाक ने नेक मर्दों के लिए इनको रखा है। और अगर नेक औरत है वो जन्नत में जाती है तो उसकी कुछ सूरतें हैं कि ऐसी औरत है जिसने सिर्फ एक ही शादी की थी, या ऐसी औरत है जिसने मुतअद्दद शादियां की हैं, यानी एक शौहर फौत हो गया या तलाक दे दी तो उसने दोबारा शादी कर ली, फिर आगे शादी कर ली, ऐसा हो गया, या वो कुंवारी ही फौत हो गई, या अगर ऐसा हुआ कि उसका शौहर जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर इन सूरतों में उस औरत का क्या होगा। अगर नेक औरत है और नेक ही मर्द है, अल्लाह पाक दोनों को जन्नत में भेज देता है, तो ये औरत अपने शौहर के निकाह में ही होगी और अल्लाह पाक इसको इतना हुस्न देगा कि जन्नती हूरों से भी ज्यादा ये खूबसूरत होगी और जन्नती हूरों की सरदार होगी, और वहां पर मियां बीबी में इस कदर मोहब्बत होगी कि सोच भी नहीं सकता कि इतनी मोहब्बत होगी। तो ये वो नेक औरत है जो नेक मर्द के साथ जन्नत में जाएगी। अगर कोई औरत नेक है और उसने मुतअद्दद शादियां की, जैसे तलाक हो गई या शौहर फौत हो गया, अब उसका क्या है। उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, अहदीस मुबारका में भी आई हैं। एक तो कहा जाता है कि जिस मर्द के निकाह में वो फौत हुई उसी के साथ वो जन्नत में होगी। दूसरी कहा गया है कि अगर उसके मुतअद्दद शौहर थे और ज्यादा दो या तीन थे तो वो सारे जन्नत में चले गए। अब वहां इस औरत को इख्तियार दिया जाएगा, वो जो उनमें से दुनिया में उससे बेहतर सलूक करता रहा है वो उसी को अपनाएगी और उसी के साथ जन्नत में अपनी जिंदगी गुजारेगी। तो ये वहां पर इख्तियार होगा कि जिस शौहर के साथ चाहे उसके साथ रह सकती है। अगर कंवारी ही फौत हो गई, उसकी शादी हुई नहीं, या शादी तो हुई लेकिन उसका शौहर जहन्नम में है और नेक औरत है वो जन्नत में है, तो अब इसके लिए क्या होगा। इसके लिए अल्लाह पाक इसको इख्तियार देंगे कि जन्नत में जो भी मर्द इसको पसंद आए उसके साथ इसका निकाह हो जाएगा। अगर कोई मर्द उसको पसंद नहीं आता तो फिर बाज ने कहा है कि अल्लाह ताला एक मर्द ऐसा पैदा करेगा जन्नत में जो इसको पसंद आएगा और जिसका जन्नत में इसके साथ निकाह कर दिया जाएगा। तो ये वो सूरतें हैं कि अगर औरत नेक है और वो जन्नत में चली जाती है तो या तो वो जन्नती शौहर के निकाह में होगी और उसी के साथ जिंदगी गुजारेगी, या उसके मुतअद्दद शौहर है तो वो उसको इख्तियार दिया जाएगा जिसके साथ रहना चाहे। अगर कंवारी है तो उसको ये इख्तियार होगा कि वो जन्नत में जिस शौहर को पसंद करेगी अल्लाह पाक उसी के साथ उसका निकाह कर देंगे, अगर पसंद नहीं करेगी तो उसके लिए एक मर्द पैदा किया जाएगा जो उसको पसंद करेगा और उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा।